Hey guys, welcome back to our channel. इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ITS गाजियाबाद कैंपस वर्सेस ITS ग्रेटर नोएडा कैंपस के बारे में, मतलब डेंटल कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं या रिव्यू करेंगे BDS कोर्स को लेकर, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल साइंस कोर्स का हम रिव्यू देंगे कि दोनों में से कॉलेज कौन सा बेस्ट है। बाकी आपको पसंद आए तो दोनों में से कोई अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लेना। तो ITS ग्रुप की शुरुआत आपका 1995 में हुआ है। ITS के पास कोई सिंगल कोर्स नहीं है, ITS के पास बहुत मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है कैंपस में। कैंपस इनका ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लोकेशन पे है, दोनों आपका दिल्ली NCR में आता है। और बात करो ITS का, तो ITS के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल, जैसे कि आपका मैनेजमेंट कोर्स भी, इंजीनियरिंग कोर्स भी, तो इसमें हम रिव्यू करने वाले हैं BDS कोर्स के बारे में। तो स्वागत करते हैं फिर से आपको। तो ITS गाजियाबाद कैंपस, ITS गाजियाबाद कैंपस का शुरुआत आपका 2000 में हुआ था। सन 2000 में कैंपस स्टार्ट हुआ था BDS कोर्स के लिए। वही ITS ग्रेटर नोएडा की शुरुआत आपका BDS कोर्स के लिए 2006 में हुआ था। ये डिफरेंस है आपका दोनों का स्टार्टिंग का। अब बात करते हैं आपका कोर्सेज, तो कोर्सेज दोनों के पास BDS MDS कोर्सेज अवेलेबल है डेंटल का। अगर बात करूं आपका फी का, तो फी जो है आपका ITS गाजियाबाद का थोड़ा सा फी ज्यादा है कंपेयर टू ITS ग्रेटर नोएडा कैंपस के से कंपेयर में। तो फी क्या है आपका, अगर कॉलेज में इंक्वायरी करते हो, फीस जो है आपका 3.85 लाख रुपीज है गाजियाबाद कैंपस का, 3.65 आपका है ग्रेटर नोएडा कैंपस का, ITS डेंटल कॉलेज का। दोनों का रिकॉग्नाइज आपका डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज कैंपस है, और डिग्री आपका मिलता है जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जो आपकी यूनिवर्सिटी वहां पर 2021 से जो लागू हुआ है उससे आपको दोनों की डिग्री मिल रहा है। अब एक बात आता है दोनों में बेस्ट कैंपस कौन सा है, वो आपकी चॉइस है। अगर आप ग्रेटर नोएडा में पढ़ना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा में पढ़ सकते हो, अगर चॉइस गाजियाबाद में तो गाजियाबाद में पढ़ सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, ग्रेटर नोएडा भी आपका यूपी में है, गाजियाबाद भी आपका यूपी में। दोनों कैंपस बहुत ही लाजवाब है। अगर बात करूं पैशन्स को लोगों का, देखने को आपको जो गाजियाबाद का जो कैंपस है आपको वहां पर ज्यादा दिख जाएंगे पैशन्स के मामले में, थोड़ा सा कंपेयर टू ग्रेटर नोएडा। अब बात आता है कि यहाँ पर फैकल्टी कैसे है यार, तो दोनों का फैकल्टी बहुत ही जबरदस्त है, दोनों की रैंकिंग दिल्ली NCR में काफी अच्छा है। उसके अलावा अगर बात करें स्टूडेंट का, स्टूडेंट आपको यहाँ पर बहुत ही तगड़े एलुमनाई मिलते हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़कर ऑलरेडी यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। आपको यहाँ से प्लेसमेंट की 100% की सियोरिटी होती है, आपको इस कैंपस से 100% प्लेसमेंट हो जाता है। ये कोई फेक बात नहीं है, रियल बात है। आपको ITS कैंपस से आपको प्लेसमेंट 100% आपको मिल जाना है, और यहाँ जबरदस्त कैंपस साथ आपको जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट मिलता है क्योंकि लोकेशन है तगड़ा आपका। तो फ्रेंड ये दोनों का डिफरेंस है। इसके रिगार्डिंग कुछ और भी जानकारी छूट रही होगी मेरी, हाँ एक जानकारी छूट रहा है, नीट में कितना स्कोर चाहिए। तो यार नीट में जस्ट क्वालिफाई अगर 5 हो तो आप कॉलेज से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके अपनी प्री बुकिंग करवा लेना, बाकी आपकी काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होना है जो यूपी डेंटल काउंसलिंग का होता है आपका यूपी का। तो एडमिशन के लिए आपको डायरेक्टली प्री बुकिंग कर सकते हो कॉलेज से कांटेक्ट करके। कॉलेज से कैसे कांटेक्ट करना है, आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करना है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी किसी और कांटेक्ट में जानकारी चाहिए तो आप मेरे से उनका नंबर ले लेना, आपने वहां पर जानकारी ले लेना फ्रेंड। तो ये बात रहा ITS डेंटल कॉलेज दोनों कैंपस का डिफरेंस, और मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो यार मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आपको ज्ञान देने वाला छोटा सा आपका दोस्त हूं, भाई हूं। बाकी चैनल पर नए होंगे फिर तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ताकि आप तक मेरे ऐसे ही और भी वीडियो अब तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना